Hello dear children, I hope you all are fine and taking proper care of yourself. Today we are going to start with our grammar ACE English grammar and composition standard 8. So today we are going to begin with our first chapter, that is determiners. You can see over here there are few words which are given and some words are highlighted also. Now according to these words, here some explanation is given. We are going to start with that. The words in bold are determiners. You can see our bold letter words over here. So they are called determiners. Now what do you mean by determiners? Kya hote hain? So determiners are words we use with nouns to help us limit or modify the meaning of nouns. Jo modify karta hai ki wo kya kehna chahte hain meaning nouns ka. They may refer to specific things or things that are of a particular kind. कौन से kind से belong करते हैं उसके बारे में it gives us the information. Now determiners usually precede nouns. Precede nouns means what? उसका क्या मतलब है कि हमेशा वो noun के आगे आते हैं. We use some determiners with only singular nouns, while we use other with only plural nouns. कभी कभार हम ये जो डिटर्मिनर्स है वो सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं एंड वी सम कोई डिटर्मिनर है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है. देन देर आर हावेवर अदर्स विच वी यूज़ विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. और कोई कोई जो है डिटर्मिनर्स वो दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ यूज़ होता है. जैसे कि द ऑनियन, द ऑनियंस, ये सिंगुलर में भी यूज़ हुआ और प्लूरल में भी द यूज़ हुआ. जैसे विच बुक, विच बुक्स, योर बैग, योर बैग्स, इस तरीके से. सो आवर फर्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर विल स्टार्ट विद दैट, वो है आर्टिकल्स. हियर वन टेबल इज गिवन अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल्स. सो फर्स्ट इनडेफिनाइट आर्टिकल्स किसे कहते हैं? वो है ए और एन. ए और एन जो है उसे कहा जाता है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. और वो कैसे यूज़ किए जाते हैं? नॉट स्पेसिफिक, जब हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, दैट टाइम वी यूज़ अ एंड एन. और जनरलाइजेशन की जनरल थिंग्स के लिए भी वी यूज़ दैट. एंड ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट के साथ और एन यूज़ होता है वोवेल्स के साथ. देन द नेक्स्ट आर्टिकल, और एक जो आर्टिकल है द, उसे कहा जाता है इट इज़ डेफिनाइट आर्टिकल. एंड हाउ डू वी यूज़, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ द, वेयर डू वी यूज़ इट, कहाँ कहाँ यूज़ होता है? कि कोई स्पेसिफिक चीज़ हो उसके साथ यूज़ होता है. मैंशनड बिफोर, जो आपको उस चीज़ के बारे में पहले से पता हो उसमें भी द यूज़ होता है. देन सेकेंड पॉइंट इज़ यूनिक हो, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, कि पूरे यूनिवर्स में वो एक ही चीज़ होती है, दूसरी उसके जैसी कोई चीज़ नहीं होती. कम टू नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन. थर्ड पॉइंट इज़ यूनिक इन कंटेस्ट, मीन्स यूनिक ऐसे भी कि आपके आजू बाजू के एरिया में वो एक ही चीज़ हो, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिक. देन फोर्थ वन, रेफरेंस टू रेस और स्पीसीज, मीन्स कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में दे आर टॉकिंग, पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात किया जा रहा है और कोई पर्टिकुलर स्पीसीज को यू आर डिनोटिंग, दैट टाइम भी द यूज़ होता है. और कभी कभार सम कंट्रीज़ के नेम के आगे वी यूज़ द. देन ज़ीरो आर्टिकल्स, मीन्स कब हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, बिना आर्टिकल का वी राइट डाउन. तो सर्टन टाइम ऑफ डे, डेज ऑफ वीक, मंथ्स, सीजन्स, years, festivals or occasion या meal times के साथ we don't use articles. Then next, generic mention of substances, materials, subjects or concepts, कि इसके बारे में हम mention कर रहे हैं, that time we don't use any article. And the third point is general purpose of places or institution, कि places or institution का जो general purpose है उसके साथ वी डोंट यूज़ द आर्टिकल. नाउ आर फर्स्ट एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू दैट आर्टिकल्स ओनली. यू हैव टू कम्प्लीट दिस सेंटेंसेज विद द करेक्ट आर्टिकल्स. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस हिसाब से यू हैव टू कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज.
with a pencil. How I have written, that same way you have to write it down. See here how it is given. Anita is singing a song, but she keeps forgetting the lyrics. Ab isme song ke bare mein we are not knowing, so we are using a. Aur lyrics hame pata hai ki kise kaha jata hai, to uske sath we use the. सेम वे द कैट दैट लीव्स ऑन द टेरेस, मीन्स द कैट जो टेरेस पे रहती है हमें पता है, तो वी यूज़ द विद दैट एंड टेरेस ऑल्सो यू आर टॉकिंग, जिसके बारे में बात कर रहे हो वो आपको पता है, तो वी यूज़ द. जस्ट गेव बर्थ टू अ लिटर ऑफ किटन्स. देन व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू बी अ वेट लिफ्टर एंड रिप्रेजेंट माई कंट्री एट द ओलंपिक्स. की ओलंपिक्स के बारे में यू आर नोइंग, तो आप द यूज़ कर रहे हो, और वेट लिफ्टर तो अ वी आर यूजिंग. सेम वे हियर वोवेल इज कमिंग, वी यूज एन. सो दैट वे यू हैव टू कम्प्लीट दिस एक्सरसाइज. कम टू नेक्स्ट पेज ऑल्सो सम सेंटेंसेज आर देयर, जहाँ पे वोवेल्स है वहाँ एन यूज हो रहा है, और जहाँ पर्टिकुलर जिसके बारे में आप बात कर रहे हो तो द यूज़ हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि ज़ीरो आर्टिकल्स, मतलब जहाँ पे हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं वहाँ पे यू विल पुट अ क्रॉस, जो मैंने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन किए उस हिसाब से, एंड जो ए एंड द जहाँ लगता है उस हिसाब से यू हैव टू पुट ए एंड द इन दिस एक्सरसाइज ऑल्सो. नाउ ऑन नेक्स्ट पेज द एक्सरसाइज नंबर सी, यू हैव टू इंसर्ट आर्टिकल्स वेर एवर रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे आर्टिकल्स मिसिंग है तो जहाँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ एरो करके यू हैव टू पुट द आर्टिकल. जैसे लाइक अ की हम बोलते हैं, तो यहाँ एरो करके यू हैव टू राइट डाउन द आर्टिकल ओवर यर. दैट वे वेर एवर द आर्टिकल्स आर मिसिंग यू हैव टू पुट द आर्टिकल्स. एंड इन एक्सरसाइज डी वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट दिस सेंटेंसेस. मीन्स जहाँ पे भी, यहाँ पे दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन विच इज सूटेबल फॉर द सेंटेंस. सो दैट वे यू कम्प्लीट दी एक्सरसाइज. देन अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकेंड टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स आर पॉजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव. तो पॉजेसिव आर्टिकल्स, सॉरी पॉजिटिव डिटर्मिनर्स किसे कहा जाता है? सो हियर इट इज़ गिवन, शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. पॉजेसिव बाय द वर्ड इट्सेल्फ यू कैन कम टू नो दैट कि वो पोजेशन दिखाता है. सो पॉजेसिव आर्टिकल शोज कि इट इज़ शोइंग कि ये चीज़ किसको बिलोंग करती है. इट शोज़ द पोजेशंस. ये जो वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइटेड दिए गए हैं वो पोजेशंस दिखाते हैं. माय, योर, हर, हिज, इट्स, आर, देयर, ये सब जो वर्ड्स है वो पोजेशन दिखाते हैं, उसे कहा जाता है पॉजेसिव डिटर्मिनेंस. वही एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे दिया हुआ है. द नेक्स्ट टाइप कम्स, इट इज़ थर्ड टाइप, दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव. नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब वो हमें डेमोन्स्ट्रेट करता है. इट शोज अस कि वो चीज़ कहाँ पे है, किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दिस, दैट, दीज, दोस. अब जब सिंगुलर चीज़ों के बारे में व्हेन यू आर टॉकिंग वी यूज़ दिस एंड दैट, और उसमें भी जो चीज़ आपके नज़दीक हो तो वी यूज़ दिस, एंड जो चीज़ दूर हो वी यूज़ दैट. फिर प्लूरल चीज़ों के बारे में व्हेन यू आर टॉकिंग वी यूज़ दीज एंड दोस. तो प्लूरल चीज़ दीज मीन्स जो आपके नज़दीक में ज़्यादा चीज़ें पड़ी हो तो वी यूज़ दीज, और दूर ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हो तो वी यूज़ दोस. तो अकॉर्डिंग टू दैट द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ बेस्ड ऑन दैट ओनली. यू हैव टू कम्प्लीट दिस सेंटेंसेज यूजिंग द पोजेसिव फॉर्म्स ऑफ द प्रोनाउंस इन द ब्रैकेट. यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ड्स आर गिवन, अकॉर्डिंग टू दैट उसका पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करना है. फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू. सी द सेकेंड वन, जोया हैज़ टू टेक. अब शी का पॉजिटिव फॉर्म क्या आएगा? हर. कैट टू द वेट, इट हैज़ बीन स्क्रैचिंग. अब इट का पॉजिटिव फॉर्म होता है इट्स, उसकी खुद के फर को स्क्रैच कर रहा है, फर टू मच. सेम वे नेक्स्ट, मदर हैज़ जस्ट स्टार्टेड. शी का हर, और यहाँ इट का इट्स पॉजेसिव फॉर्म. इन द फोर्थ वन, यू का पॉजेसिव फॉर्म हो जाएगा योर, और दे का पॉजेसिव फॉर्म होगा देयर. वी का पॉजेसिव फॉर्म आर, आई का पॉजेसिव फॉर्म माई. सो दैट वे यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स.
ही का पोजेसिव फॉर्म हिज. द सेम वे दीज ऑल आर रिपीटिंग वर्ड्स जो मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया, उस हिसाब से यू हैव टू पुट द पोजेसिव फॉर्म्स ओवर देयर. जो ब्रैकेट में दिया है उसका पोजेसिव फॉर्म यू हैव टू राइट डाउन. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज एफ, इन दैट डेमोन्स्ट्रेटिव से रिलेटेड है जो मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया था. दिस दैट दीज दोज. सो नाउ डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस डियर चिल्ड्रन, आप लोग को ये सोचना है कि वो सेंटेंस से रिलेटेड है, उसमें कहाँ दिया गया, वो चीज़ आपके नज़दीक का बातें कर रहे हो या दूर चीज़ की बात कर रहे हो. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पुट द डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स. इन दैट फर्स्ट वन इज ऑलरेडी बीन डन. सेकेंड वन डैश जीन्स, जीन्स इज अ प्लूरल फॉर्म सो वी यूज दीज, और वो आपके नज़दीक है सो वी आर यूजिंग द वर्ड दीज ओवर हियर. देन द थर्ड वन डैश फोटो, फोटो सिंगुलर है तो दिस या दैट ही लगेगा. लुक्स मच बेटर ओवर देयर बाय द विंडो, मीन्स वो आपके विंडो के बाजू में है तो वी आर यूजिंग द वर्ड दिस. नाउ किसी किसी जगह दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट इज यू आर नियर दैट और यू आर फार अवे फ्रॉम दैट. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिफायर, दैट इज क्वांटिफायर्स. द फोर्थ टाइप ऑफ डिटर्मिनर इज क्वांटिफायर्स. नाउ क्वांटिफायर्स उसमें दो पार्ट है, दैट इज़ क्वांटिफायर्स के यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. पॉइंटेड मेंशन इंडिकेट क्वांटिटी और अमाउंट पॉजिटिवली, जो पॉजिटिव वे में बताता है क्वांटिटी और अमाउंट, दैट आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स. उसमें एग्जाम्पल्स आर फ्यू, अ फ्यू, मैनी, अ लिटिल, सेवरल, अ लॉट ऑफ, सम, एवरी, ईच, अ पार्ट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, होल, ऑल, अ बिट ऑफ, मोस्ट ऑफ, दीज ऑल आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स. नाउ विच आर नेगेटिव क्वांटिफायर्स, जिसमें नेगेटिविटी इट इज शोइंग. ओके, नो और मच, नॉट मच ऐसे यूज हो सकता है वो, या एनी. ये जो वर्ड्स है तीनों हाईलाइटेड, नो, नॉट मच और एनी, दीज आर नेगेटिव क्वांटिफायर्स. सो इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि कैसे आपको कौन सा वर्ड उसमें यूज करना है. सो इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज जी, यू हैव टू चूज द करेक्ट क्वांटिफायर्स एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. सो यहाँ पे देयर इज अ स्टिल अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, मच फूड लेफ्ट फ्रॉम द पार्टी लास्ट नाइट, दिस वन इज ऑलरेडी बीन डन फॉर यू. तो आपको टिक करना है कि कौन सा क्वांटिफायर इसमें यूज होगा. सेम वे नेक्स्ट, ऑल्दो वी सेंड द ईमेल टू एवरी पीपल, वी डोंट से, वी से मैनी पीपल, बहुत जनों को भेजा था इसलिए. फ्यू की अ नंबर ऑफ पीपल रिप्लाइड, कि कुछ लोगों ने ही रिप्लाई किया तो वी टेक फ्यू. सो दैट वे यू हैव टू टिक द वर्ड विच इज सूटेबल, क्वांटिफायर जो सूटेबल है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, और उसको आपको टिक करना है. सो नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एच. इन दिस यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंस विथ फ्यू, अ फ्यू, लिटल एंड अ लिटल. अब इसमें यहाँ पे मैंने उसके मीनिंग्स लिखे हुए हैं कि फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस होगा. फ्यू में कि नन एट ऑल, मतलब बिल्कुल ना के बराबर हो तो आप लिखोगे फ्यू. देन अ फ्यू में नॉट अ लार्ज नंबर ऑफ, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं है और ये ना के बराबर है, वैसे आपको यूज़ करना. फिर लिटल में नन, लिटल में बिल्कुल है ही नहीं तब आप यूज़ करते हो लिटल. और अ लिटल मीन्स लेस देन सम बट मोर देन नन, कि नन से थोड़ा ज़्यादा बट लेस देन सम, सम से थोड़ा कम. तो ऐसे आपको ये चारों वर्ड्स इस ब्लैंक्स में यूज़ करने हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कि आप क्या कहना चाहते हो. अ लिटल, फ्यू, लिटल, अ फ्यू, जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर एक्सप्लेन किया कि फ्यू मीन्स बिल्कुल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं है तो फ्यू लगाओगे. नॉट अ लार्ज नंबर मीन्स फ्यू से ज़्यादा, बट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में नहीं है, तब आपको अ फ्यू लगाना है. और लिटल कब लगाओगे, कि नन, बिल्कुल नहीं है,
और उससे थोड़ा ज़्यादा है तो अ लिटिल यूज़ होगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ दैट वर्ड्स. नाउ द नेक्स्ट वन कम्स इंट्रोगेटिव एंड ऑर्डिनल्स. नेक्स्ट विच इज़ देयर इंट्रोगेटिव. अब इंट्रोगेटिव से ही आपको पता चलता है कि क्वेश्चन वर्ड्स होंगे. ओके, सो इन दिस इंट्रोगेटिव वी यूज़ दिस वर्ड्स टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन. क्वेश्चन पूछने के लिए ये वर्ड्स जो यूज़ होते हैं उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव. जैसे वॉट, विच, हुज, ये सब जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं उसे कहा जाता है इंट्रोगेटिव. देन नेक्स्ट कम्स ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल्स किसे कहा जाता है? इसमें कार्डिनल और ऑर्डिनल दो टाइप्स होते हैं. कार्डिनल मतलब जो नंबर को स्पेसिफाई करता है 1, 2, 3, 4, और ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वैसे सब, और लास्ट, नेक्स्ट, अदर, अनदर, प्रीवियस, ये सब वर्ड्स जो यूज़ होते हैं, जो सीक्वेंस बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, उसे कहा जाता है ऑर्डिनल्स. नाउ इन दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज डियर चिल्ड्रन यू हैव टू अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स इन दिस सेंटेंसेस. जो भी डिटर्मिनर्स अब तक मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, पॉजेसिव हो, आर्टिकल्स हो, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव्स हो, क्वांटिफायर्स हो, या इंट्रोगेटिव या ऑर्डिनल्स, जो भी आ रहे हैं इसमें डिटर्मिनर्स, दैट यू हैव टू अंडरलाइन. यहाँ पे टू मैंने आपको ऑर्डिनल के साथ कार्डिनल भी एक्सप्लेन किया कि जो नंबर को स्पेसिफाई करता है दैट इज़ कॉल्ड कार्डिनल, तो टू आ गया. देन बोथ, हुज, लास्ट, दैट, एवरी, दीज, यू, एनी, इन सब में सारे डिटर्मिनर्स आ जाते हैं. सो यू हैव टू अंडरलाइन दैट डिटर्मिनर्स. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ईयर वन हेल्प बॉक्स इज गिवन. डिटर्मिनर का हेल्प बॉक्स दिया गया है. अकॉर्डिंग टू दैट विच एवर इज सूटेबल इन द ब्लैंक यू हैव टू टेक इट फ्रॉम दिस हेल्प बॉक्स एंड राइट इट ओवर ईयर. फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन. नाउ हियर क्वेश्चन है तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, तो whose pen did you borrow yesterday? So you have to take this determiner whose from the help box. My cousin study in the dash and second grade. So first and second grade. According to the sentence, you have to put the determiners. Then next, Farida was in France last year. So isme wo ordinal determiner aa gaya. It's all right if you miss your ferry. You can take the next ferry in the afternoon. I am bored with this game. Let's play another game. Again, yahan question wala aa gaya aur isme ordinal aa gaya. So this way you have to complete that exercise. Now the next exercise is you have to add these, that, these, those, जो हमने आगे भी किया था. According to singular जब होगा नज़दीक में तो आप use करोगे this. Singular अगर दूर होगा तो that. And प्लूरल मतलब ज़्यादा चीज़ें होंगी नज़दीक में तो दिस, और कम चीज़ें होंगी दूर में ज़्यादा चीज़ें होंगी तो दोस. तो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस पैराग्राफ. नाउ डियर चिल्ड्रन आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी नाइसली. सो अकॉर्डिंग टू दिस अंडरस्टैंडिंग वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली एंड कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज हाउ आई हैव रिटन विथ अ पेंसिल. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइज विथ अ पेंसिल विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड वॉच द वीडियो ट्वाइस और थ्राइस एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी इजीली. थैंक यू डियर चिल्ड्रन.